नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। आज का हमारा विषय है क्लास 10 का जो बोर्ड एग्जाम से संबंधित है, विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। तो दोस्तों, इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स हम पढ़ेंगे। सबसे पहले विद्युत परिपथ क्या है। तो देखिए, विद्युत परिपथ यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट यानी कि विद्युत धारा के सतत व बंद वक्र, विद्युत धारा का सतत व बंद वक्र जो का जो पथ है वो विद्युत परिपथ कहलाता है। यानी कि किसी भी चालक के अंदर अगर करंट प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत परिपथ है। एक विद्युत परिपथ का डायग्राम हम बताते हैं आपको। देखिए, ये बैटरी हमने जोड़ दी, सेल, तीन सेल की एक बैटरी बना दी हमने, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ये पॉजिटिव सिरा है। अब ये यहाँ से हम एक बल्ब इसमें लगा देते हैं, इस पे वायर जोड़ दिए और आगे चलते अपन। यहाँ हमने एक आमीटर लगा दिया और यहाँ हम एक कुंजी की लगा देते हैं, इस तरह से यहाँ करंट। तो दोस्तों, जो विद्युत धारा जो है, आई जो है, वो जब परिपथ में बहती है तो हमेशा बैटरी के पॉजिटिव सिरे से नेगेटिव सिरे की ओर बहती है, ये आपको याद रखना है। यानी कि विद्युत धारा जो होती है, विद्युत धारा यानी कि आई जो करंट जो होता है वो हमेशा बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव सिरे की ओर बहता है, ये आपको याद रखना है। जबकि इलेक्ट्रॉन्स का जो प्रवाह होता है, इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है, इलेक्ट्रॉन जो हमेशा पॉजिटिव सिरे की ओर यानी कि पॉजिटिव की ओर गति करते हैं इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज होता है यानी ऋणात्मक चार्ज होता है। तो ये एक परिपथ हमने बनाया, विद्युत परिपथ। तो इस परिपथ से आप समझ सकते हैं, एक बंद वक्र होता है, विद्युत धारा का सतत प्रवाह हो रहा है। यहाँ पे जो हमने ये बनाया, ये आमीटर है और ये कुंजी है और ये बैटरी है, और आमीटर का एक सिरा पॉजिटिव से एक नेगेटिव से जोड़ दिया हमने। ये बल्ब है, विद्युत बल्ब, और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, करंट प्रवाहित हो रहा है। तो विद्युत परिपथ आपका क्लियर हो गया। विद्युत धारा का जो सतत और वक्र पृष्ठ जो होता है, सतत प्रवाह जो होता है बंद वक्र के अंदर, वो विद्युत परिपथ कहलाता है। तो विद्युत परिपथ होने के बाद अपन पढ़ेंगे विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। तो दोस्तों, विद्युत धारा क्या है? विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा को I से डिनोटेट किया जाता है। तो विद्युत धारा की परिभाषा हम देख लेते हैं। आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा I कहते हैं। यानी कि जो विद्युत धारा जो है, विद्युत धारा की जो परिभाषा क्या है? आवेश के प्रवाह की दर। तो विद्युत धारा बराबर आवेश, बहने वाला आवेश बटे समय, यानी कि I बराबर Q अपॉन T। तो I बराबर Q अपॉन T, ये विद्युत धारा की परिभाषा है, यानी कि आवेश के प्रवाह की दर। तो I बराबर Q अपॉन T आपको याद रखना है। Q बराबर क्या होता है? तो दोस्तों, Q बराबर होता है NE। देखिए, जो आवेश का जो मात्रक होता है, आवेश का जो मात्रक होता है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, आवेश का मात्रक होता है कूलाम,
जबकि विद्युत धारा का जो मात्रक होता है, विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। आपको याद रखना है विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। तो देखिए कूलाम बटे सेकंड, यानी कि कूलाम बटे सेकंड बराबर होता है एम्पियर, यानी कि विद्युत धारा का जो मात्रक होता है एम्पियर होता है। आवेश का जो मात्रक होता है कूलाम होता है, इसको सी से डिनोटेट करते हैं, और विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। तो इस प्रकार अब Q बराबर Ne, अगर आपसे प्रश्न किया जाए कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ N बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या है और E यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है दोस्तों 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज आपको याद रखना है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक चार्ज होता है और उसका जो मान होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम। अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन पर अगर हमें n बराबर निकालना है तो n बराबर 1 कूलाम 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम, तो कूलाम से कूलाम कट जाता है और इसका दशमलव हटाने पर ऊपर एक जीरो चली जाती है और एक और जीरो हम ऊपर भेज देते हैं और नीचे बच जाता है 16। अब ये जो यहाँ 18 जो है इसको अपन ऊपर भेज देते हैं 10⁻¹⁸। अब 16 से जब इसको काटते हैं तो 16×5=96, फिर 4 बचे 16×32, तो 6.2 × 10⁻¹⁸। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 6.2 × 10⁻¹⁸। तो यानी कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या हमने इस फॉर्मूले की सहायता से निकाल दी। इसमें हमने क्या रखा, आवेश का मान 1 कूलाम रखा और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज का मान हमने क्या रखा 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम। इसका दशमलव हटाया, एक जीरो ऊपर भेज दिया और इसके भी एक जीरो ऊपर भेज दिया, माइनस के 18 हैं, जब ऊपर ले गए तो प्लस के हो गए और 16 से इसको काटने पर 6.2 × 10⁻¹⁹ आ जाता है। तो इस तरह से हमने विद्युत धारा, अब अपन बात करते हैं एक एम्पियर को परिभाषित कीजिए, तो एक एम्पियर की क्या परिभाषा होगी, तो विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। अब एक एम्पियर की परिभाषा क्या है, तो आपको एक एम्पियर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको विद्युत धारा वाला जो फॉर्मूला है वो याद होना चाहिए। तो विद्युत धारा का जो फॉर्मूला है वो है I बराबर क्यू अपॉन टी। तो देखिए अगर एक कूलाम आवेश एक सेकंड तक प्रवाहित हो रहा है तो कूलाम बटे सेकंड एक से एक का भाग देंगे तो एक, और कूलाम बटे सेकंड बराबर होता है एम्पियर, यानी कि एक एम्पियर बराबर क्या होगा, तो एक एम्पियर की परिभाषा क्या होगी, देखिए किसी चालक में एक कूलाम आवेश एक सेकंड में प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा जो है उसका जो मान होगा एक एम्पियर होगा। तो इस प्रकार से एक एम्पियर की परिभाषा हो जाती है, यानी कि एक कूलाम का जो आवेश पर सेकंड अगर बह रहा है तो वो एक एम्पियर होगा। अब दोस्तों विद्युत धारा को मापने का यंत्र है, विद्युत धारा का जो मापक यंत्र है वो कहलाता है एमीटर। तो एमीटर किसको मापता है, इलेक्ट्रिक करंट को, यानी कि एमीटर I को मापता है। एमीटर यानी कि ऐसी युक्ति जिसके द्वारा विद्युत धारा का मापन किया जाता है एमीटर कहलाता है। एमीटर को हमेशा कौन से क्रम में जोड़ते हैं अपन, एमीटर को हमेशा अपन श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, यानी कि ये जो परिपथ है मान लिया जाए इसके इस तरह से जोड़ा जाता है एमीटर को श्रेणी क्रम में। एमीटर क्या करता है, परिपथ के अंदर करंट को मापता है, विद्युत धारा को मापता है। तो इस प्रकार
एमीटर जो आदर्श एमीटर होता है उसका प्रतिरोध क्या होना चाहिए, आदर्श एमीटर का जो प्रतिरोध है वो शून्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, यानी कि उसका प्रतिरोध जीरो होना चाहिए। तो इस प्रकार हमने परिपथ पढ़ा, विद्युत धारा पढ़ी, और एक जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है और एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हम एक सवाल कर लेते हैं, यदि मान लिया जाए एक परिपथ है, उस परिपथ में मान लिया जाए परिपथ है मान लिया जाए 0.5 एम्पियर विद्युत धारा बहती है, विद्युत धारा 10 मिनट में प्रवाहित हो रही है, 10 मिनट में। तो आपसे कितना आवेश होगा, आवेश पूछा जा रहा है, आवेश का मान ज्ञात कीजिए। तो I बराबर होता है Q अपॉन T। देखिए यहाँ टाइम बराबर जो है 10 मिनट है, इसको अपन को सेकंड बदलना है, तो 10 की जगह 10 और एक मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, तो बराबर यहाँ पे आ गया 600 सेकंड। देखिए I बराबर Q अपॉन T, हमें क्या पूछा गया है, Q पूछा गया है, तो Q बराबर होता है IT। I का मान हमें दिया हुआ है 0.5 एम्पियर और टाइम 600 सेकंड। तो देखिए Q बराबर आ जाता है, दशमलव हटाएं 10 से 10, 6 5 30, यानी कि 30 और 10 और ये, यानी कि 300, और एम्पियर इंटू सेकेंड बराबर होता है कूलाम। तो देखिए एम्पियर इंटू सेकेंड, जैसे कूलाम पर सेकेंड बराबर क्या होता है, कूलाम पर सेकेंड बराबर हुआ था एम्पियर, तो अब एम्पियर इंटू सेकेंड बराबर क्या हो जाएगा, कूलाम। तो इसका मतलब क्या है, किसी परिपथ के अंदर अगर 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट में प्रवाहित होती है तो जो आवेश का जो मान है 300 कूलाम होगा। तो इस प्रकार से हमने इस तरह के सवाल हम कर सकते हैं। आपको Q बराबर NE से भी सवाल पूछा जा सकता है, यानी कि आवेश का मान दिया हुआ रह सकता है, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज आपको याद है ही सरी, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम। अब एक और हमारा जो टॉपिक है इसके अंदर विभवांतर, तो विभवांतर क्या है दोस्तों, विभवांतर भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें कई बार क्वेश्चंस बनता है। विभवांतर को V से व्यक्त करते हैं, वोल्टता यानी कि वोल्ट मीटर से की सहायता से इसको मापते हैं। देखिए इसकी जो परिभाषा है, एकांक आवेश को अनंत से विद्युत धारा के नजदीक लाने पर किया जाने वाला कार्य विभवांतर कहलाता है, यानी कि एकांक आवेश को अनंत से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो किया जाने वाले कार्य विभवांतर कहलाता है। जिसे विद्युत धारा हमेशा पॉजिटिव सिरे से नेगेटिव सिरे की ओर बहती है, तो बैटरी क्या करती है, विभवांतर पैदा करती है। जैसे जल का प्रवाह भी हमेशा उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर होगा, इसी तरह से जो विद्युत धारा जो है वो हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहती है। तो अब देखिए विभवांतर V बराबर W अपॉन Q, यानी कि पर यूनिट आवेश को, V यहाँ पे विभवांतर है, तो विभवांतर बराबर क्या होगा, किया जाने वाला कार्य बटे आवेश, यानी कि अब देखिए V बराबर कार्य का जो मात्रक होता है जूल, और आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो जूल पर कूलाम बराबर होता है दोस्तों वोल्ट,
इसका मतलब विभवांतर का जो मात्रक क्या आया अपना, विभवांतर का जो मात्रक आया वो आया वोल्ट, यानी कि विभवांतर का मात्रक क्या है वो है वोल्ट। ओके, अब किसी भी परिपथ के अंदर विभवांतर मापने का जो यंत्र है वो क्या है, वो है वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर क्या है इसके बारे में भी देख लेते हैं अपन। वोल्ट मीटर क्या मापता है, ये वोल्टता मापता है यानी कि विभवांतर मापता है। तो देखिए वोल्ट मीटर क्या है, एसी युक्ति जो विद्युत परिपथ में, विद्युत परिपथ में विद्युत विभव यानी कि विभवांतर का मापन करती है क्या कहलाता है, वोल्ट मीटर कहलाता है। क्या कहलाता है, वोल्ट मीटर। ठीक है, तो वोल्ट मीटर की परिभाषा, वोल्ट मीटर किसको मापता है, वोल्टता को यानी कि विभवांतर को। अब वोल्ट मीटर को, वोल्ट मीटर को कौन से क्रम में जोड़ते हैं, इसको दोस्तों समांतर क्रम में जोड़ते हैं। कौन से क्रम में, समांतर क्रम में। इसका जो प्रतिरोध जो है वो अनंत होना चाहिए, आदर्श जो वोल्ट मीटर है उसका जो प्रतिरोध है आइडियल का वो अनंत होना चाहिए। अब एक वोल्ट की क्या परिभाषा होगी, तो दोस्तों V बराबर W अपॉन Q आपने देखा था। अब देखिए W यानी कि किया गया कार्य अगर एक जूल है और आवेश भी अगर एक कूलाम है तब जो वोल्टता का जो मान होगा वो एक वोल्ट होगा। तो एक वोल्ट की परिभाषा क्या होगी, यदि एक कूलाम आवेश को किसी बिंदु से अन्य बिंदु तक ले जाने में अगर एक जूल कार्य किया जा रहा है या एक जूल कार्य करना पड़ता है तो जो विभवांतर का जो मान होगा वो होगा एक वोल्ट यानी कि वन वोल्ट। तो इस तरह से एक वोल्ट की परिभाषा हमने क्लियर करी दी। इससे संबंधित सवाल बन सकते हैं, आपको कार्य का मान दिया हुआ रह सकता है जूल में और आवेश दिया हुआ रहता है तो आप वोल्टता आराम से निकाल सकते हैं। ये वोल्ट मीटर हो गया। अब हम और भी कुछ देखेंगे परिपथ के अंदर किस किस के क्या क्या सिंबल्स हैं। तो दोस्तों मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ परिपथ के अंदर क्या क्या सिंबल्स हैं, किस तरह से उनको व्यक्त करते हैं। तो देखिए अगर इस तरह का है प्लस और माइनस तो ये क्या है, ये है दोस्तों सेल। और अगर इस तरह का है तो ये है दोस्तों, ये है बैटरी। क्या है, ये बैटरी। अगर इस तरह से दिया हुआ है तो ये है दोस्तों प्रतिरोध। क्या है, ये प्रतिरोध। और अगर यूं दिया हुआ है तो ये है, ये क्या है, अमीटर। क्या है, ये अमीटर। और अगर यूं दिया हुआ है तो ये क्या है, वोल्ट मीटर। क्या है, ये वोल्ट मीटर। और इस तरह का अगर दिया हुआ है तो ये है रियोस्टेट यानी कि धारा नियंत्रक। ये किसका चिन्ह है, धारा नियंत्रक यानी कि धारा नियंत्रक का चिन्ह है। तो इस प्रकार से कुछ चिन्ह हैं। अगर ये दिया हुआ है तो विद्युत बल्ब है। और देखिए इस तरह से दिया हुआ है तो ये कुंजी है और ये कुंजी कौन सी कुंजी है, बंद। और अगर ये दिया हुआ है तो ये कौन सी कुंजी है, ये कुंजी है। और ये कौन सी कुंजी है, ये हो ओपन। कौन सी है, ओपन, ये खुली वाली कुंजी है।